हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड आगे कंटिन्यूड कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी, इससे पिछली वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पिछले चैप्टर्स और इसकी पिछली वीडियो फोल्डर में बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के नाम से पड़ा है प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक जो है इंटरनल ट्रेड का, वो है रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके मीनिंग की बात करते हैं। दैट इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम अ होलसेलर एंड सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन स्मॉल लॉट्स। ठीक है जी, फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। सो द रिटेल ट्रेड इज द लास्ट लिंक बिटवीन द ट्रेड मिडलमैन। ये लास्ट लिंक होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है शुरू कहाँ से होती है, वो मैन्युफैक्चरर से, फिर उसके बाद एजेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद होलसेलर आता है, और उसके बाद रिटेलर आता है, और लास्ट में रिटेलर से एक्चुअल माल किसको जाता है, कस्टमर को जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये लास्ट लिंक है उस चेन की, मिडलमैन की। ठीक है, ही डील्स इन लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स बट इन स्मॉल क्वांटिटी, इन स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं उसके पास। ओके जी, ही परचेजेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर नो डाउट एंड सेल्स टू द कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर को यही सामान भेजता है। ही नीड्स कंपेरेटिवली लेस कैपिटल, उसको एज कंपेयर टू होलसेलर कम कैपिटल चाहिए होती है। ही जनरली सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर्स ऑन कैश, और ज्यादातर वो कस्टमर को कैश पे सामान भेजता है। सर्विसेज यूटिलिटीज ऑफ द रिटेलर, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सर्विसेज टुवार्ड्स होलसेलर, तो उसमें क्या आता है, सर्विसेज टुवार्ड होलसेलर को वो सबसे उनको प्रोवाइड करता है बेसिक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कि मार्केट में किस तरीके का सामान ज़्यादा बिक रहा है, टू क्रिएट डिमांड। एक्चुअल में कस्टमर की डिमांड को होलसेलर तक यही पहुँचाते हैं। ये लोकल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में बड़ी आसानी या मदद करते हैं होलसेलर की और मैन्युफैक्चरर की। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड नो नीड टू मीट कस्टमर्स, इनको कस्टमर से मीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कस्टमर अपने आप इन तक आ जाता है। और ये कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को क्या सर्विसेज देते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, फैसिलिटीज ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट, नो फियर ऑफ चीटिंग, सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के। रिटेलर्स के कितने टाइप्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट रिटेलर्स। इंटरनेट टेलर्स में, रिटेलर्स में सबसे पहले आ रहा है दीज ट्रेडर्स हु हैव नो डेफिनेट सेलिंग पॉइंट एंड सेल देयर गुड्स बाय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस आर नोन एज इंटरनेट ट्रेलर्स। देयर मेन फीचर्स आर एज फॉलो, ईजी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड, नीड ऑफ लिटल कैपिटल, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, दीज आर मेनली फॉलोइंग फोर टाइप्स। ये इंटरनेट टेलर रिटेलर जो होते हैं वो इस चार तरीके के आते हैं। वो सबसे पहले वो कौन से होते हैं बेटा, हॉकर्स एंड पेडलर्स। बच्चों दीज ट्रेडर्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिटेल ट्रेड, दे कैरी देयर गुड्स ऑन व्हील कार्ट्स, ऑन देयर हेड्स एंड शोल्डर्स एंड मूव्स अराउंड बाजार स्ट्रीट्स एंड मोहल्लाज टू सेल दम। ठीक है, जिसको हम फेरी वाले भी बोलते हैं। दीज गुड्स आर ऑफ लो प्राइस गुड्स, दीज गुड्स इंक्लूड चाट स्वीट्स कुल्फी टॉयज आर्टिफिशियल ज्वेलरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। ठीक है बच्चो, चीप जैक्स। बच्चों ये जो ट्रेडर होते हैं एम्स एट टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ सम लोकल इवेंट, जहाँ कोई मेला या कोई मंदिर में कोई पूजा या कोई समारोह ऐसा हो रहा होता है, दे टेक सम टेम्पररी शॉप एंड सम ओपन स्पेस ऑन रेंट फॉर देयर ओन टू कैरी देयर बिजनेस। द मोमेंट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस गेट डिमिनिश, जब वो मेला या वो कार्यक्रम वहाँ से प्रोग्राम खत्म हो जाता है, दे इमीडिएटली चेंज देयर प्लेस ऑफ ट्रेड, वो वहाँ से अपना ट्रेड ऑफ प्लेस चेंज कर लेते हैं। पेवमेंट ट्रेडर्स कौन से होते हैं बेटा, पेवमेंट ट्रेडर्स वो होते हैं जो फुटपाथ पे बैठ के अपना सामान बेचते हैं, रास्ते पे बैठ के। दीज ट्रेडर्स सेल देयर गुड्स फ्रॉम द फुटपाथ ऑन द रोड साइड, दे प्लेस देयर गुड्स एट सम क्राउडेड एरिया, दे यूजली सेल गुड्स ऑफ डेली यूज, इट्स अ वेरी इजी फॉर कस्टमर्स टू परचेज,
goods from them. We find these traders are on our way and without spending much time we can buy things of own liking. हम अपने पसंद का सामान उनसे खरीद सकते हैं यदि चाहे तो. Weekly market traders in big cities. Weekly markets are held in different parts of the city. They are popularly known as haat. In such markets, the things of daily use are available at a reasonable price. And fixed shops ke beta, on the basis of the fixed shops, the retailers can divide it into two parts. ठीक है बच्चों, तो ये चार पॉइंट ऊपर वाले होने के बाद अब दूसरा रिटेल का क्या आ गया. रिटेल बिजनेस में फिक्स शॉप्स जो होती है, फिक्स शॉप्स में दो पार्ट्स होते हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स. तो सबसे पहले हम स्मॉल स्केल रिटेलर्स की बात करेंगे बच्चों. उसमें आते हैं जनरल स्टोर्स. जनरल स्टोर्स में द गुड्स ऑफ डेली यूज विच आर ऑफ गुड क्वालिटी आर सोल्ड थ्रू जनरल स्टोर्स. ठीक है बच्चों, सो दीज आर लोकेटेड एट सच प्लेसेस विच आर visited by a large number of people. Single product shop. These traders sell only one kind of product and the product they deal in is found in different varieties. ठीक है बच्चों, and at their shops, for example, children के garments हो गए. नहीं sorry, मैं इसको आगे continue करना था, ये हो गया आगे. ठीक है, children garments हो गए, religious books हो गया, ये आ गया हमारा. ओके जी, single product shop में यही आता है. अब सिंगल लाइन स्टोर्स कौन से हैं बच्चों. दीज ट्रेडर्स ट्रेड इन अ सिंगल लाइन ट्रेड. फॉर एग्जांपल, इफ इन प्लेस ऑफ अ शॉप डीलिंग इन चिल्ड्रन गारमेंट अ रेडीमेड गारमेंट शॉप इज ओपन. अगर उसमें रेडीमेड गारमेंट शॉप ओपन हो जाती है, सच ए शॉप विल मेक अवेलेबल रेडीमेड गारमेंट्स नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर यंग ओल्ड वुमेन मैन एटसेट्रा. ये सिंगल लाइन स्टोर है, एक तरह का ही प्रोडक्ट बेचेंगे. ठीक है बच्चों, तो उसके बाद इसका नेक्स्ट फोर्थ है वुडन स्टॉल्स. दीज शॉप्स आर यूजली कैरिड ऑन थ्रू वुडन स्टॉल्स. दीज डेज वी फाइंड फिक्स स्टॉल्स एट प्रोमिनेंट प्लेसेस. थिंग्स ऑफ डेली यूज आर मेड अवेलेबल एट सच स्टॉल्स विच आर रियली लो प्राइस्ड. दीज इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, एग्स, फ्रूट्स, जूस एटसेट्रा. इन्फीरियर गुड्स शॉप. बच्चों इन्फीरियर गुड्स शॉप में दीज शॉप सेल गुड्स ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी और थिंग्स विच आर नॉट इन फैशन. देयर प्राइसेज आर वेरी लो. ओनली दोज पीपल बाय थिंग्स फ्रॉम दीज शॉप्स हु आर फाइनेंशली वीक एंड कैनॉट बाय द लेटेस्ट मॉडर्न थिंग्स. दीज शॉप्स यूजली सेल क्लोथ्स, बुक्स, वुडन मटेरियल एटसेट्रा. ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स की तरफ. बच्चों नो डाउट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था आपको कि टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल कितने हैं या लार्ज स्केल का इकट्ठा टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के फॉर्म में आएगा. इनके कुछ पॉइंट्स ही, कुछ एक दो चीज़ें ही आएंगी, जैसे व्हाट आर फिक्स शॉप्स आ गया, व्हाट आर स्मॉल स्केल रिटेलर्स, व्हाट आर जनरल स्टोर्स, व्हाट आर सिंगल लाइन सिंगल प्रोडक्ट शॉप, व्हाट आर सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स, चीप जैक्स. ठीक है, ये चीज़ें आपको आएंगी, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है. नो डाउट पढ़ना तो आपको सारा ही इकट्ठा पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें आपको केस स्टडीज भी बन के आ सकती हैं. These traders, अब हम लार्ज स्केल की बात करेंगे. These traders store the smallest possible things. All the needs of the customers are met at single shop. These shops enjoy various benefits of centralization, specialization and storage. The main organization which carry on retail trade on a large scale are following. वो पहला क्या बच्चों, departmental store. दूसरा क्या बच्चों, सुपर मार्केट. तीसरा क्या है, मॉल. चौथा चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स जिसको हम बोल सकते हैं. पांचवा क्या बेटे, मेल ऑर्डर बिजनेस. और सिक्स क्या है हमारा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स. तो बच्चों ये टॉपिक हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, तब तक आप वो स्मॉल स्केल रिटेलर्स तक का याद करिए और इसकी ये डेफिनेशन यहाँ से देख के अपने नोट्स बना लीजिए. बाकी चैप्टर अब हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. विशिंग यू गुड लक.